एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेजर शाह, मैं आपको मौका दूंगा क्योंकि यहाँ पर बात एक मिलिट्री ऑपरेशन की हो रही है जो जीरो इन पिन पॉइंट ऑपरेशन है, एक टारगेटेड ऑपरेशन है और ऐसा जहां पर मिस करने के चांसेस कतई नहीं है। बंकर बस्टर बम GBU-72 का इस्तेमाल क्या आखिरी हथियार बचा था हिजबुल्ला के चीफ को खत्म करने के लिए? क्योंकि लेबनान की तरफ से नॉर्थ इसराइल में हिजबुल्ला पिछले 1.5 महीने से ज्यादा इसराइल की नाक में दम किए हुए था। राजू भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हिजबुल्ला जो है, इसराइल जो है, हूती से नहीं डरता, हमस से नहीं डरता, लेकिन हिजबुल्ला का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रभाव था, जरूर था। तो जब इसराइल हिजबुल्ला के चीफ का खात्मा करती है, वो भी एयर रेड से, ये दूसरी मर्तबा है। जिनके पहले इनके प्रेडिसेसर भी, उनको भी IDF ने एयर स्ट्राइक में ही खत्म किया था, तब जाके ये चीफ बने थे हिजबुल्ला के। तो कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसराइल जो है वो किसी भी कीमत पे वो चाहता था कि वो सीधा कहीं पे निशाना इनको ही बनाया था परसों, हालांकि निशाना इनको बनाया था और खबरें आई थी, मगर ईरान की न्यूज एजेंसी ने डिनाई कर दिया था। तो ये खबर थी कि वो मरे हैं कि नहीं मरे हैं, जिंदा हैं, महफूज हैं, क्या है। फिर बाद में कल ये बात, ये खबर सही हो गई, ये करेक्ट हो गई। जिनका जन्म 1960 में हुआ था, ये इराक में भी रह लिए थे, इराक में सदाम हुसैन ने शियाओं को उस टाइम पे निकाला था बाहर, तो ये ईरान में भी रह चुके थे। इनके पास, और इन्होंने जो रॉकेट्स, जो लॉन्ग रेंज रॉकेट्स का को और उपयोग में लाया था इसराइल के खिलाफ में। अब बात करते हैं, देखिए जो ज्योग्राफिकली जो लेबनन जो एक देश है, वो 11th रीजन ऑफ वेस्ट एशिया में पड़ता है। उसके बॉर्डर है सीरिया नॉर्थ ईस्ट, और फिर इसराइल के साउथ में है, और मेडिटेरेनियन सी पड़ता है वेस्ट में, साइप्रस पड़ता है शॉर्ट डिस्टेंस कंट्री के कोस्ट लाइन पे। तो लेबनन की जो अगर हम ज्योग्राफी देखें, तो इस तरीके से कि इसराइल ने उन पे अटैक करना समझा, बल्कि 17 सितंबर को जो हम जो घटना हुई थी, जो कि साइबर अटैक हुआ था, जो वॉकी टॉकी तेजस के जरिए जो अटैक हुआ था, लेबनन ने इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करी। इसके बाद इसराइल ने 70 एयर स्ट्राइक्स करे, उसके बाद 250 एयर स्ट्राइक्स करे, क्योंकि फिर उसके बाद फिर अब देखिए हिजबुल्ला के चीफ को मार गिरा, ये कामयाबी भी है इसराइल के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब जो नया चीफ आएगा, जाहिर सी बात है, वो और वेंजेंस और गुस्सा और क्रोध और बदले की भावना लेकर वापस इसराइल पे अटैक करेगा। तो ये जो हमला जो है, जो मिलिट्री एक्शन हम देख रहे हैं, हालांकि इसराइल ने लेबनन में सिविलियंस को बोला है कि आप खाली कर दो, विकेट कर दो, जब मिलिट्री एक्शन कंप्लीट हो जाएगा आप वापस आ सकते हो। वहां पे नेटवर्क, फोन लाइन, वहां पे बहुत ही गंदा वहां पे माहौल है इस टाइम पे। हम अच्छा, ये एक अहम बात है राजू भाई, ये मेरे को एक मिनट दिए कहने के लिए, मैं सल्यूट करता हूँ हमारे हिंदुस्तान के जो अम्बेसडर हैं, वो मणिपुर से हैं, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, वो मणिपुर से हैं, वो एक पंगाल है। हमारे मणिपुर से एक MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के की और एक आर्मी मेडिकल कोर की, ये UN मिशन में एक टीम है, एक कंटेंजेंट है वहाँ पे मौजूद, जो कि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। मैं बहुत ही अहम जानकारी आपके चैनल पे अभी बता रहा हूँ, ये अब तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है इसके बारे में। ये हिंदुस्तान का जो मिलिट्री कंटेंजेंट है, ये UN में है। UN में जाने के लेबनन, हम लोग कॉन्गो, हम लोग अन्य देशों में, सुदान, हम अन्य देशों में अपने कंटेंजेंट्स भेजते हैं। ये अब अपनी जान की परवाह ना कर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर, ये मिलिट्री टीम जो है, ये मणिपुर को छोड़ के अपने, जहाँ पे हम सब जानते हैं वहाँ पे तनाव है, लेकिन अपने घर को छोड़ के वहाँ के अम्बेसडर, ये जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की, लेफ्टिनेंट कर्नल उषा नाम है इनका, जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली थी, तो ये अहम भूमिका निभा रहे हैं वहाँ पे। तो इनको, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। इसके बाद हम वापस आते हैं आपके मुद्दे पे, जो मिलिट्री एक्शन हो रहा है वहाँ पे, ये एक बहुत ही गंभीर बात है, सीरियस बात है राजू भाई। अब देखते हैं आगे ये क्या रुख लेकर आएगा, ये आगे क्या रुख लेकर आएगा, ऐसा कह रहे हैं मेजर मोहम्मद अली शाह। मेजर शाह, इसराइल ने अपने टैंक लेबनान के बॉर्डर पर इस वक्त तैनात कर दिए हैं, अब तक तो नहीं किए थे लेकिन अब कर दिए, ये आज शाम की खबर है। क्या इसराइल एंटिसिपेट कर रहा है कि हिजबुल्ला और उसकी वो फौज
जो एक बड़े लड़ाकों की संख्या में है, वो जमीनी हमले शुरुआत कर सकती है क्या? अब लेबनान और इसराइल के बीच में जमीनी लड़ाई को आप देख रहे हैं, फोर्सी कर रहे हैं? जी राजू भाई, मैं दाग दूं आपके इस सवाल का। देखिए बात ऐसी है, जब भी एक न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, वो है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। आप कुछ करेंगे उसका वही वैसे ही रिएक्शन आपको मिलेगा। अब लेबनान जो है, हमको ये समझना पड़ेगा, वो एक डेवलपिंग कंट्री है जो दुनिया में रैंक 112 के नंबर पे हुई थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तहत, और वो क्लासिफाइड हुई अपर मिडिल क्लास इनकम स्टेट से। फिर लेबनीज लिक्विडिटी क्राइसिस हुआ, कपल विद नेशन वाइड करप्शन हुआ, फिर डिजास्टर हुए 2020 में, बेरूट एक्सप्लोजन हुआ इस तरीके से और होता गया। और लेबनान का जो इलाका जो है वो है 10,452 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 4,036 स्क्वायर माइल्स। तो बेरूट के में वहां पर बिल्कुल अभी तो अलर्ट में जारी है, वहां पे सिग्नल्स कटे हुए हैं। और अगर हम इतिहास में जाएं लेबनान के, देखिए ये एंटिसिपेशन तो है, हमले तो होंगे और ये होके रहेंगे, दोनों दो तरफ से होंगे, तबाहतोड़ हमले होंगे, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होएगा। अब एक डेवलपिंग कंट्री और एक इसराइल, जो कि सब जानते हैं वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे नाजी जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों के साथ क्या किया था, बहुत ही गलत किया था, इनको गैस चेम्बर में डाल के तड़पा तड़पा के इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल के मारा था। लेकिन एक छोटा सा मुल्क आप देखिए राख से उठा और तकनीकी टेक्नोलॉजी में कहां से कहां पहुंच के 17 सितंबर को हमने देखा कि हालांकि हम नहीं जानते कि हालांकि आपने बताया जैसे कि ये किसी ने बोला आमने सामने की लड़ाई आप देखते हैं मेजर, आमने सामने की लड़ाई? हाँ बिल्कुल, जमीन लड़ाई मैं देख रहा हूँ, अभी जमीन लड़ाई भी हो जाएगी, अभी तक हवाई लड़ाई थी और एयर अटैक्स हुए थे, आमने सामने की लड़ाई मैं देख रहा हूँ आने वाले कल में। और अगर हल्का सा राजू भाई मैं आपको इतिहास में ले जाऊं तो कि ये फिनिका का इतिहास के अंडर में थी, उसके बाद फिर मैरिटाइम एम्पायर जो कि स्ट्रेच हुआ मेडिटेरियन बेसिन में, फिर 64 बीसी में ये रीजन जो है वो रोमन एम्पायर में आया, फिर बाइजेंटाइन एम्पायर में आया और फिर खलीफेट्स ने लिया, उसके बाद फिर खलीफेट जैसे कि जो कि रसुद्दीन उमायद असादिन खलीफेट हुए, फिर 11वीं सेंचुरी में ये इलाका क्रूसेडर स्टेट्स में आया, फिर जाके अयुबिडस मनकुलुक्स और फिर जाके ओटोमन्स में आया। अब जब ये ओटोमन्स में आया तब ये अब्दुल मजीद इनके रूलर थे, और जो पहली लेबनीज प्रो स्टेट जो बनी थी वो कि माउंट लेबनन मुस्तफेर में इस्टेब्लिश हुई 19वीं सदी में, उसके बाद फिर होम मिलिटेन क्रिश्चियन स्टेट बनी थी ये एक तरीके से। और ये जमीनी लड़ाई इसमें इनके अंदर ये होगी, होकर रहेगी, क्योंकि इसराइल भी नहीं छोड़ेगा वहां से, लेबनन के हिजबुल्ला भी बोलेंगे वहां से, और फिर ये इसके बाद फिर जब ये डिसोल्यूशन हुआ ऑटोमन एम्पायर का वर्ल्ड वॉर वन के बाद, तो लेबनन आया मैंडेट फॉर सीरिया और लेबनन हुआ था जो कि फ्रांस एडमिनिस्टर कर रहा था। इसके बाद फिर जब ये एस्टेब्लिशमेंट ग्रेटर लेबनन की तरफ को आया तो फ्रांस रूल जो वीक जो कमजोर हुआ, उसके बाद फिर ये सिग्निफिकेंटली हुआ है, फिर जर्मन इन्वेजन हुआ फ्रांस 1940।